आपकी इंग्लिश कुछ हद तक सही हो गई है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कुछ हद तक या थोड़ा बहुत। तो क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है? इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप समवॉट का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो उसकी आंखें नम और कुछ हद तक बेचैन थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हर आईज वर वॉटरी एंड समवॉट टर्बिड, यानी उसकी आंखें तर थी या नम थी और बहुत हद तक बेचैन भी। अपाचे की तुलना में अवेंजर कुछ हद तक छोटा है या थोड़ा बहुत छोटा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अवेंजर इज समवॉट स्मॉलर देन अपाचे, यानी अपाचे की तुलना में अवेंजर कुछ हद तक छोटा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, समवॉट एक एडवर्ब है जो किसी वर्ब के बाद लिखा जाता है। जैसा कि आप इन सभी एग्जांपल्स में देख सकते हैं, मैंने समवॉट को किसी वर्ब के बाद लिखा हुआ है। आपकी राइटिंग पहले से कुछ हद तक सही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर हैंडराइटिंग इज समवॉट बेटर देन बिफोर, यानी आपकी हैंडराइटिंग पहले से कुछ हद तक सही है। कल की तुलना में आज कुछ हद तक ज्यादा गर्मी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज समवॉट हॉटर देन यस्टरडे, यानी कल की तुलना में आज कुछ हद तक ज्यादा गर्मी है। पहले की तुलना में आपकी इंग्लिश कुछ हद तक सही हो गई है या अच्छी हो गई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर इंग्लिश इज समवॉट बेटर देन बिफोर। अक्सर आप किसी सामान को देखकर कहते हैं यह कुछ हद तक टिकाऊ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज समवॉट ड्यूरेबल, यानी यह कुछ हद तक टिकाऊ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से समझा कि समवॉट क्या है और समवॉट को कैसे इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।